जंगल कौड़िया से लेकर मोहद्दीपुर तक निर्माणाधीन फोर लेन के लिए गुरुवार को भी गोरखनाथ मंदिर के आसपास के मकानों एवं दुकानों को तोड़ने का काम जारी रहा। गोरखनाथ ओवरब्रिज से हॉस्पिटल तक सड़क के दोनों तरफ 11-11 मीटर अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें सड़क का चौड़ीकरण किया जा सके। एसडीएम सदर ने कहा कि 80% काम हो चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, खाने के उधर तक।
लाइन के साथ में ना जाएगा। ये जंगल कोड़िया से मोदीपुर वाला जो रोड है, इसमें गोरखनाथ मंदिर के आसपास जितनी भी दुकानें हैं लगभग 80% डिमोलिशन हो चुका है, 20% रह गया है। उसको आज रात तक हमारा प्रयास है कि आज रात तक ख़त्म हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको इसका अमलीजामा पहनाया जा सके। तो डिमोलिशन का कार्य लगभग लगभग हमारा पूरा हो चुका है। चौड़ाई 22 मीटर का रोड है हमारा, 11-11 मीटर दोनों तरफ से लिया जा रहा है, और इसी के संदर्भ में हमने सब उसी को रेफरेंस लेके हमने सब कुछ जुड़वाया है, डिमोलिशन कराया है। पहले धर्मशाला तरंग में हुआ था, अब ये गोरखनाथ मंदिर की तरफ है। अब लगभग 80% हमारा पूरा हो चुका है, 22 मीटर का रोड रहेगा। आने वाले दिनों में जंगल कोड़े से मोदीपुर ये 4-लेन रोड हो जाएगा। ये सिटी का बहुत कंजेस्टेड एरिया था, आने वाले दिनों में बहुत राहत मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस पर कार्य प्रगति से चल रहा है।